फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस ए और बी हमें दिए हैं और वेरीफाई करनी है ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस। यहाँ एलएचएस है ए बी होल ट्रांसपोज, टी रख लेते हैं इसे। एक मिनट, ये यहाँ पर ए है कॉलम मैट्रिक्स 1-4, 3। इसके बाद बी है रो मैट्रिक्स 1-2, 1। इसके बाद ट्रांसपोज, पहले मल्टीप्लाई फिर उसके बाद ट्रांसपोज। यहाँ 3 रो है और यहाँ 3 कॉलम, इसलिए 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा 1-2, 1। 1-4, 3, -1, 2, 1। कॉपी करते वक्त ध्यान रखना ठीक से कॉपी किया है या नहीं। -4 की मल्टीप्लाई -1 से माइनस चला जाएगा, -4 की 2 से मल्टीप्लाई -8, -4, 3-3, 6, 3। इसके बाद इसका ट्रांसपोज -4, 2, 1, 4, -8, -4, -3, 6, 3। RHS है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। B कितना है, रो मैट्रिक्स है -1, 2, 1 की, -1, 2, 1। और A 1-4, 3 का कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज वन माइनस फोर थ्री, यही है ना। वन माइनस फोर थ्री, ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज रो को, रो जो मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो और कॉलम का इंटरचेंज ही ट्रांसपोज होता है। -1, 2, 1। वन फोर थ्री, ये फिर से 3x3 का बनने वाला है क्योंकि रो और कॉलम 3x3 है। -1, 8, नहीं 4, -1 की 4 में मल्टीप्लाई प्लस का 4, -1 की 3 -3, 2 में मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, यहाँ 4 है और यहाँ 3। एक मिनट, अब यहाँ कंप्लीट हो गया, ट्रांसपोज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद चेक कर लेते हैं। -1, 4, -3, -4, -3, -4, -1, 4, -3, -1, 4, -3, 2-8, 6, 2-8, 6, 1-4, 3, 1-4, 3। आप नोट करने के बाद चेक करा सकते हो, ये ठीक है।
सिंस LHS बराबर आया है RHS के, therefore AB transpose B transpose A transpose के बराबर है। अच्छा सेकेंड को एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ये वाला पार्ट। LHS लिया, ए बी होल ट्रांसपोज, ए है कॉलम मैट्रिक्स 0, 1 एंड 2, बी है रो मैट्रिक्स 1, 5 एंड 7, और उसके बाद इसका ट्रांसपोज। जीरो से मल्टीप्लाई करने का मतलब 0, 0, 0, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो भी है वही रख दो, 2 से मल्टीप्लाई यानी डबल कर दो, इसके बाद ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज ट्रांसपोज करें यानी एक कॉलम में 0, 0 हो जाएंगे, 1, 5, 7, 2, 10 एंड 14। अब RHS हमारे पास है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, B वाला पार्ट कितना था 157 रो मैट्रिक्स, 157 इसके बाद ट्रांसपोज, और ये तो जीरो कुछ करके था 0, 0, 1, 2, होल नंबर की स्टार्टिंग है, इसके बाद इसका ट्रांसपोज, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 157। और यहां पर 0, 1, 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगी 1 से, कोई बदलेगा नहीं, 1 की 0 मल्टीप्लाई ये सारा वही आ जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 0 से 5, फिर उसके बाद 10, 7 की मल्टीप्लाई 0 से फिर 7, फिर उसके बाद 14। अब ये देखते हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0, 7, 14, 0, 7, 14, ये भी ठीक है। Since LHS बराबर है RHS के, और therefore इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा था, 5, 6 क्वेश्चन, चलो इसको भी लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसे कंप्लीट। सबसे पहले ये लेते हैं पहला, 6 का पहला, इसमें ए मैट्रिक्स दिया है, ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करके उसी में मल्टीप्लाई करके शो कराना है कि आई बन जाएगा।
ए हमें मिला है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा, ये लिख देते हैं ट्रांसपोज में, पिछले क्वेश्चन की तरह ऐसे कंफ्यूजन नहीं है इसमें। कोस अल्फा और यहाँ साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ कोस अल्फा। इसके बाद ए ट्रांसपोज इनटू ए, यहाँ पर एलएचएस ए ट्रांसपोज इनटू ए, मतलब कि ए ट्रांसपोज कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में था, अच्छा ट्रांसपोज था ना इसी का, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस इसी का ट्रांसपोज करके रख देते हैं, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यही था। देखें आप कोस साइन माइनस साइन कोस, इसके बाद मल्टीप्लाई कराएं। अभी यहाँ कोस अल्फा की, कोस अल्फा से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अल्फा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है वन। अब ये कोस स्क्वायर की साइन से मल्टीप्लाई कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, सेम आ रहा है जीरो। साइन अल्फा कोस अल्फा, या मैं करा के दिखाऊं आपको इस तरह से, मैं पूरा ही कंप्लीट ही करा देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। ये इसकी मल्टीप्लाई होगी पहले इसके साथ, तो ये बनेगा हमारा कोस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कोस से कोस की मल्टीप्लाई और प्लस से माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इसकी नेक्स्ट अगले में मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बनेगा, कोस की कोस से मल्टीप्लाई और साइन से मल्टीप्लाई ये बन जाएगा, और माइनस में साइन पहले रखो है, कोस से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए ये कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होगी, ये वाली मल्टीप्लाई इससे, साइन की कोस से मल्टीप्लाई साइन अल्फा कोस अल्फा, और यहाँ पर साइन की कोस की साइन से साइन अल्फा कोस अल्फा। इसके बाद साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। स्टेप छोड़ना चाह रहा था लेकिन मैंने पूरा स्टेप करा दी, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये वन होता है, यहाँ ये पूरा इस पूरे से कैंसिल जीरो, यहाँ ये पूरा इस पूरे से कैंसिल जीरो, और यहाँ फिर से फॉर्मूला वन का है, और ये बना क्या,
आई, ये आया आई जो कि आर एच एस ही है, मतलब ये हुआ देयर फोर यहाँ पर ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो आई के बराबर है। नेक्स्ट लेते हैं, इधर बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें भी यही प्रूव करना है, ए हमें यहाँ पे दिया ही है, और इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद प्रूफ करना है ये ए ट्रांसपोज इनटू ए आई बनाना है। मल्टीप्लाई करा के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ, साइन की साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर यहाँ 1, फिर उसके बाद साइन की कोस से मल्टीप्लाई, फिर कोस की साइन से मल्टीप्लाई यहाँ 0, कोस की साइन से मल्टीप्लाई, साइन की कोस से मल्टीप्लाई यहाँ 0, कोस की कोस से मल्टीप्लाई यहाँ 1। आप कर सकते हो, और ये है हमारा आई और यही आर एच एस दिखाना था एल। तो ये हुआ सिंस, सिंस के आप तो खैर डायरेक्ट रख सकते हैं ना, देयर फोर ए ट्रांसपोज ए जो हमने किया वो आई आया। सेवन क्वेश्चन इजी है, सिर्फ सिमेट्रिक दिखाना है एक में, इसकी सिमेट्रिक 6 क्वेश्चन तक थे, यहाँ 6 था, ये 7। सो देट ये शो करना है कि मैट्रिक्स ए जो आपके पास है ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था, उसका ट्रांसपोज करके अगर वही आता है तो सिमेट्रिक है, वरना सिमेट्रिक नहीं है। इसको देख लेते हैं इसका ट्रांसपोज, क्योंकि हमें पहले ए को भी करना पड़ेगा। वन माइनस वन फाइव, ए माइनस वन टू और वन, फाइव वन एंड थ्री। इसका अगर ट्रांसपोज करके देखें तो
माइनस वन फाइव, माइनस वन टू वन, फाइव वन एंड थ्री। इसमें मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल सही से कि ये जो पार्ट है ये हमारा बन गया कहाँ, यहाँ। ये वाला जो पार्ट है ये बन गया ये जो ग्रीन में ले रहा हूँ मैं ये बन गया ये वाला। ठीक, पूरी तरह से समझ में आया। वन माइनस वन फाइव को वन माइनस वन फाइव, माइनस वन टू वन, फाइव वन। अब यहाँ ये देखो, वन माइनस वन फाइव, वन माइनस वन फाइव, माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन, फाइव माइन वन थ्री, फाइव वन थ्री। सेम ये ए ही तो बन रहा है दोबारा से, और ये ए बना, इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर क्या दिखाना था, सीमेट्रिक। सो दैट मैट्रिक्स ए जो इज अ सीमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज अ सीमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड, सेकंड उतारें यहाँ से, कॉपी करें। सेकंड में इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो ये यहाँ तो फिर अब इसक्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या, उसका ट्रांसपोज करके देखो, अगर माइनस में आता है वही माइनस में कन्वर्ट हो जाता है तो इसक्यू सिमेट्रिक है, वरना नहीं। और ये आप देख के भी बता सकते हो इसक्यू सिमेट्रिक है। डायगोनल जीरो है एंड ये साइन चेंज है, ये कॉर्नर वाले साइन। इसी तरह से मैंने पिछले पिछले जो लेक्चर में बताया था उसके हिसाब से अगर इसे देखें आप तो ये भी बता सकते हो कि सिमेट्रिक है, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये वाला पार्ट इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है, बाकी बीच वाले तो अपना अपनी जगह बदलते ही नहीं है, और ये बदलेंगे तो सेम वही वही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये हमारे पास पहले ए कॉपी करते हैं, जीरो वन माइनस वन, माइनस वन जीरो वन, वन वन है, माइनस वन एंड जीरो। इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, जीरो एक मिनट, जीरो वन माइनस वन, माइनस वन जीरो एंड वन, वन माइनस वन एंड जीरो। ऊपर वाले से मैच नहीं हो रहा ना, ये यहाँ वन है और यहाँ माइनस वन है, इसलिए हम इसको इससे भी दिखा दूँ कि कैसे हमने बदला। इसको हमने इसके रूप में बदल दिया और इस वाले पार्ट को हमने इस तरह से बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। और यहाँ जो ग्रीन में ये इस तरह से दे दिया, समझ गए होंगे आप। अब यहाँ सेम ए की तरह बनाने के लिए इसमें माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा। अब यहाँ जीरो और यहाँ के साइन बदल जाएंगे ऐसे, यहाँ ये बन जाएगा और ये जीरो, ये वन, प्लस में माइनस में एंड जीरो।
अब यहाँ ये देखो, ये पार्ट सेम इसके जैसा हो गया, मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ये जो बदल गया माइनस ए में बदल गया, यानी यहाँ एक मिनट ये रखें, और सिंस जो ए, ये क्या है, ट्रांसपोज करना ना इसका, अब ये टी जो है ना ये ऐसे लग माइनस और वन की तरह बन गया था, ट्रांसपोज बना ए नहीं माइनस ए, देयरफॉर मैट्रिक्स ए जो है ए जा क्या चीज बनना है, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। अब हाँ तो ये हो गया दोनों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ये माइनस माया कौन सा क्वेश्चन, सेवन था ना, देखते हैं अभी एक मिनट, जरा सेवन था, इसके बाद अब एट, पेट में भी कुछ खास नहीं है, जल्दी कर लेते हैं इसको भी। अब ये जो ए है मैट्रिक्स ए यहाँ पर, और वेरीफाई करना ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता ही है, हमने थ्योरम फर्स्ट में पढ़ा था। तो ये ए हमारे पास क्या है अब, लेकिन उसको ए प्लस ए ट्रांसपोज करने के बाद फिर उसको सिमेट्रिक शो भी कराना, वेरीफाई भी करना कि सिमेट्रिक है। ये ए हमें मिला 1 5, ये थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, 1 5 6 7, और यहाँ पर ट्रांसपोज भी बना लेते हैं यहाँ पर ही, ये क्योंकि दोनों में हेल्प मिल जाएगी हमें, 1 5 6 7, एक मिनट 7। अब इसके बाद हमें जो फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज, वन फाइव सिक्स सेवन, फिर के बाद प्लस में है 1 6 5 7, ये हमें क्या मिला। अच्छा मैं इधर ही लिख दूँ तो कैसा रहेगा, यहाँ 1 प्लस 1 टू, 2 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, और 7 प्लस 7 14। अब ये देखो डायगोनल्स तो वैसे भी नहीं चेंज होने वाले, और ये 1 एंड 1 ये 11 11 सेम एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो वैसे ही सिमेट्रिक होगा, साथ में चेक करते भी चल रहे हैं। अब करके देखें इसका दोबारा से ट्रांसपोज, आप चाहो तो यहाँ पी मान के भी कर सकती हूँ, यहाँ पर पी मानने के बाद पी लेट किया और पी को ट्रांसपोज करके तब दिखा दिया, मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को ही ट्रांसपोज करके दिखा रहा हूँ दोबारा से। ये मिलेगा क्या, 2 11 2 11 मिलेगा, और 11 14 11 14 11 14 मिलेगा, क्या बदलाव आया कुछ, 2 11 2 11 11 14 सेम वही रहा, यह है किसके बराबर, ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर, देयर फॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है इज अ सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ओके, अब हम फाइंड करना है, सेकंड है ना, एक मिनट जरा, ए माइनस ए ट्रांसपोज सेकंड। ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए कितना है, ए 1 6 5 7, 1 1 6 कैसे था, रो वाइज या कॉलम वाइज, 1 6 5 1 5 6 1 6 5 7 कॉलम वाइज, 1 6 5 7, और ट्रांसपोज इसी का कर लेते हैं, 1 5 6 7। इसके बाद अच्छा आगे रख देते हैं ना इसको, जैसे हमने इसको रख दिया था आगे, यहाँ थोड़ा सा नीचे, 1 में से 1 माइनस होगा 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल्स क्या आ गए, डायगोनल्स एलिमेंट्स आ गए 0, और यहाँ पर ये सिर्फ एडिटिव इनवर्स है, बाकी तो सेम एलिमेंट है, सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक तो होने वाला, अभी देखते ही पता चल गया, ये पूरा का ट्रांसपोज करके देखते हैं, ये 1 0 माइनस 1, और ये 1 0। अब यहाँ पर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 0 माइनस 1 1 0, थोड़ा सा ज्यादा दो जा रहा है, 0 माइनस 1 1 0। अब ये देखें तो माइनस और ये दोनों मैच हो रहे हैं, 0 1 माइनस 1 0, यानी यहाँ हम ये लिख सकते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी ये जो था वो माइनस में आया, देयरफॉर इसीलिए, या फिर आप चाहो तो सिंस लिख सकते हैं, सिंस ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो हमें मिला है वो माइनस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज के बराबर मिला है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज, एक मिनट, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कौन सा क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, जी है ये एक्सरसाइज, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज्यादा लेक्चर इसके ना बनाऊं, ज्यादा वीडियो ना बनाऊं इसकी, कम ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। अब देखिए अगला, अच्छा 9 पे लास्ट करते हैं, ठीक, अगर 9वां क्वेश्चन एक नंबर का आ जाए, एक नंबर में, तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज की बात, यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि ये डायगोनल्स जीरो है, डायगोनल्स जीरो है ना ये यहाँ पर, और यहाँ ये एक दूसरे के ये क्या है, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, यहाँ भी ये देखो ये सिर्फ साइन चेंज है, बाकी एलिमेंट सेम है, साइन चेंज है सिर्फ, इसका मतलब ये हुआ ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज करने पर ये हमें माइनस में मिलेगा, माइनस का ही तो चेंज होगा, यानी हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा इस तरह से,
अब इनको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, इधर मतलब लाया जाए इसको, जब ये हमारे पास इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, माइनस ए इस तरह से मिलेगा। तो अब इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जीरो मैट्रिक्स बनने वाला है ना भाई। वो जीरो मैट्रिक्स 1/2 से भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो से मल्टीप्लाई कराने के बाद जीरो बन जाता है। जीरो मैट्रिक्स इसका तो हमें जीरो मैट्रिक्स बनने वाला है, सिंपल है। जब इसको हम ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे तो ए ट्रांसपोज हमें माइनस ए में मिलेगा। अब ये एक तो ए है और इसकी जगह माइनस ए है, तो दोनों में जीरो हो गया है जीरो मैट्रिक्स। 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके एलिमेंट सारे जीरो हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो ही बनने वाला है। इसी तरह से जब ये यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर हमारे पास ये फिर से कहाँ है, कैसे माइनस ए है, ये हमारे पास 2a बन जाएगा। और ये 2 1/2 से डिवाइड करा देंगे तो हमें ए मिलने वाला है। यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे, अब तुम्हारे सामने ये क्लियर हो गया होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स बनेगा वो 3 में जो भी है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही हमें वापसी रिटर्न होगा। क्लियर, ये देखते ही आंसर बता सकते हैं आपको, लिखने की जरूरत भी नहीं है इसमें, देखते ही तुरंत कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका ट्रांसपोज माइनस में मिलेगा, और जब उससे ऐड कराएंगे तो जीरो हो जाएगा, और अगर उससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो सब्ट्रैक्ट, एक तो सब्ट्रैक्ट वाला माइनस और एक माइनस वाला माइनस, दोनों हो गए प्लस, तब ये 2a मिलेगा। 2 1/2 को हटा देगा, सिर्फ a वाला पार्ट मिलेगा, यानी ये खुद मिलेगा। और वैसे भी आपको पता ही है कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये सिमेट्रिक करने का अब फॉर्मूला है, और ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक करने का, और इसको दोबारा से स्क्यू सिमेट्रिक करने का क्या मतलब है, स्क्यू सिमेट्रिक पहले से ही है, ए मिलने वाला है। सिमेट्रिक करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक को सिमेट्रिक करोगे तो हमारे पास मिलेगा जीरो। तो ठीक है, हम आगे करते हैं सॉल्व इसको। ए हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हम ए और ए ट्रांसपोज दोनों निकाल के पहले रख लेते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ माइनस ए जीरो सी, ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, माइनस बी माइनस सी एंड जीरो। ए ट्रांसपोज यहाँ पर ये क्या आएगा, जीरो ए एंड बी, माइनस ए माइनस, एक मिनट, जीरो ए बी, जीरो ए बी, माइनस ए जीरो और सी, माइनस बी माइनस सी एंड जीरो। हमें फाइंड करना क्या था, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। 1/2 तो ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज करके मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, डायरेक्ट रख दूँ या फिर पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज ही कराऊँ भाई। जीरो से जीरो तो जीरो हुआ, ए माइनस ए ये भी जीरो हुआ, बी माइनस बी यहाँ भी जीरो हुआ, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, ये सारे जीरो हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और इसीलिए ये हमारे पास जो मिलेगा, 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करा के कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सारे जीरो मिलेंगे।
इसके बाद अब जो हम फाइंड करना है ये फाइंड करना है 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो इसे, आप साइन चेंज कर देना बस 1/2। मैं पूरा करा रहा हूँ, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं इसको। ए कितना है, 0, ए बी 0, ए और बी माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0। और इसका यहाँ ट्रांसपोज 0 ए बी माइनस ए 0 माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये यहाँ बंद। अब यहाँ 1/2 थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, जीरो माइनस जीरो जीरो रहेगा, ए माइनस से माइनस प्लस बन गया 2a, बी माइनस से माइनस प्लस बन गया 2b, माइनस से माइनस माइनस 2a, और जीरो से तो जीरो जीरो ही रहेगा, सी माइनस सी प्लस बन गया 2c, माइनस से माइनस 2b, और सी से माइनस सी यानी माइनस 2c, और यहाँ ये जीरो। 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे, 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कराने पर ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पर दो, यहाँ पर भी दो, सब दो गायब हो रहे हैं, और यहाँ माइनस है, यहाँ जीरो है, यहाँ भी सी है। एक मिनट जरा थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसे। यहाँ माइनस बी है, माइनस सी है, और यहाँ जीरो। अभी देखें हमें क्या मिला, मैंने बताया था ना कि ए मिलेगा, देख लेते हैं। 0ab 0ab माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी 0। इसे प्रूव नहीं करना था, लेकिन हो सकता कभी प्रूव करने के लिए आ जाए कि शो कराओ कि ए ही मिलेगा, लेकिन मिलता ए है। यहाँ पर ये हमने दोनों आपको फाइंड करा दी, एक में जीरो मैट्रिक्स मिला और एक में वो खुद ही रिटर्न हुआ। इसको आंसर दिखाने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आंसर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ 0 0 सारे, और यहाँ 0ab, यहाँ ये वही है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए बी सी ऊपर प्लस में है, ए बी सी प्लस में है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, हमने किए हैं 9 क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में 10वां क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए। हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, इसलिए पूरी वीडियो आप देखो, कहीं भी कुछ भी सीखने को मिल सकता है।